हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शांति कुंज। आज हम टमाटर का मीठा चटनी बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हम गैस पे पैन चढ़ा दिए हैं और इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाले हैं। अब इसमें हम 2 तेज़पत्ता, 2 लाल मिर्च और ये 5 फोरन डाल दिए हैं। अब इसको हम हल्का भूनेंगे। ये मेरा भून गया है। अब इसमें हम टमाटर करीब 400 ग्राम था, इसमें हम डाल दिए हैं। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार नमक डाल दिए हैं। यह हम मीठा चटनी बनाने जा रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा नमक डाल देते हैं क्योंकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। और ये 1 चम्मच लाल कुटा हुआ मिर्चा है, आप अपने स्वाद के अनुसार डालिएगा। और ये भुना हुआ जीरा कुटा हुआ है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। और इसको थोड़ी देर करीब 4-5 मिनट इसको हम पकने देते हैं और इसको हम एक ढक्कन से ढक देते हैं। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं, ये अच्छी तरह से गल गया है। इसको थोड़ा सा हम मैश देते हैं। बच्चे लोग इस चटनी को काफ़ी पसंद करते हैं क्योंकि मीठा रहता है। करीब ये मेरा तैयार हो गया है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डाल देते हैं, आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी डालिएगा। और थोड़ा सा हम किशमिश डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह से हम मिला देते हैं। ये बहुत झटपट बन जाता है चटनी, कोई विशेष तामझाम करने का इसमें ज़रूरत नहीं है। मेरा चटनी टमाटर का तैयार हो गया है, अब आपको हम सर्व करके दिखाते हैं। ये मेरा मीठा चटनी बन के तैयार हो गया है, आप लोग भी खाइए, इंजॉय कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। थैंक यू।